हरे कृष्ण एवरीवन। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के मन में निरंतर डाउट रहता है, सर अभी तक इसका जो नोटिफिकेशन है हमारे एग्ज़ाम डेट का वो आया नहीं है, तो क्या अपडेट है सर? देखिए मैं यही बोलना चाहूँगा, इसका नोटिफिकेशन आपको जल्द देखने को मिल सकता है। नवंबर में थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि त्योहारों का महीना भाई नवंबर पूरा पूरा, और अगर कोई भी नोटिफिकेशन नवंबर में आता है तो दिसंबर में पेपर कंडक्ट होगा, दिसंबर में आता है तो जैन में। कहने का तात्पर्य ये कि समय ज़्यादा रहेगा नहीं एग्ज़ाम डेट आने का, तो प्रिपरेशन बना के रखिए। दूसरी चीज़ यह है कि चांसेस है कि इस मंथ आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, और इस मंथ नहीं तो दिसंबर में मिल जाएगा, तो तैयारी बना के रखिए। और आपकी तैयारी इस हिसाब से होनी है कि दिसंबर में भी हमें अपने एग्ज़ाम देने हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आपको तैयारी करके रखनी है। भले ही जैन में कंडक्ट हो, हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय ही मिल जाएगा, तो उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है? हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा रिविज़न के लिए। अच्छा, ऑफिशियल जो कंडक्ट करेंगे आपका रिटर्न एग्ज़ाम, वो करेंगे OMR के तहत, और क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के लिए, 40% वेटेज आपको मिलेगा। रिटर्न एग्ज़ाम फॉर द कैंडिडेट्स सिलेक्शन, और कैंडिडेट्स को जो सॉल्व करना होगा पेपर वो 1 आवर में। टोटल आपके रहेंगे 5 सेक्शन इन क्वेश्चन पेपर, 1 मार्क आपको अवॉर्ड किया जाएगा आपके करेक्ट आंसर के लिए, और 0.25 मार्क्स आपको आपके डिडक्ट होंगे रॉन्ग के लिए। नो मिनिमम मार्क्स विल बी कंसिडर फॉर पासिंग द एग्ज़ाम। तो कुछ इस तरीके की डिटेल्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, रिजल्ट एक साथ देंगे।